10 से 15 मिनटों में बनकर तैयार होने वाली ये कॉर्न वेजिटेबल फ्राई राइस लंच और डिनर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसके साथ खाने के लिए आपको ना तो दाल बनाने की जरूरत है ना ही रायता। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन में हमें घी या बटर ले लेना है और इसमें डालना है बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे कुछ सेकंड के लिए सॉटे करने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, जिसे भी हमें सॉटे ही करना है। तेज आंच में इन सारी सब्जियों को हमें फ्राई करना है ताकि इन सब का क्रंच बरकरार रहे। बारीक कटी हुई मिर्ची डाल दीजिए और अब डालेंगे बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च डाला है और इन सब को हमें तेज आंच में 1 मिनट तक भूनकर तैयार कर लेना है। इसी के साथ इसमें डालूंगी बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न और वेजिस के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे। इन सब को अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसमें हम उबले हुए चावल ऐड कर देंगे। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश राइस बनाकर तैयार किया है। राइस डालने के बाद इसमें डालेंगे गोल मिर्च पाउडर, नमक, सोया सॉस और विनेगर और अब इन सब को तेज आंच में 102 मिनट तक हमें अच्छे से कुक कर लेना है ताकि चावल सारे वेजीज के साथ सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए एक एक दाना कितना अलग सा लग रहा है और खिले खिले फ्राई राइस बनकर तैयार हो गए हैं। थी ना एकदम आसान सी फ्राई राइस की रेसिपी। तो ये थी आज की कॉर्न वेजिटेबल फ्राई राइस की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए।